गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कॉस्मेटिक्स के अंतर्गत इंग्रेडिएंट ऑफ कॉस्मेटिक्स के सब पॉइंट्स देखेंगे, जिसमें से 5 नंबर पॉइंट्स है प्रिजर्वेटिव्स। क्या काम करता है प्रिजर्वेटिव कि कॉस्मेटिक्स को क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है। कैसे? यूज्ड टू प्रिवेंट स्पॉलेज विच अकर ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। क्या करता है? माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। अगर कोई कॉस्मेटिक बन के रखा है और बहुत दिन तक अगर स्टोर है तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ आ जाएगा और उसमें जो केमिकल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और जो स्लरी फॉर्म में है वो ऑयल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो ना हो करके हम क्या करते हैं, या जो कंपनीज हैं जो कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्शन कर रही है, वो सारी कंपनियां या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं। क्यों? ताकि उसके जो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स ना हो और माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके, इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। अनयूज्ड कॉस्मेटिक्स आर यूजुअली कंटामिनेंट विथ स्यूडोमोनास, बट यूज्ड कॉस्मेटिक आर कंटामिनेंट विथ स्पाइडोकोकाई फंगाई। एक्चुअली जो कॉस्मेटिक है वो अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम लिखेंगे अनयूज्ड कॉस्मेटिक्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास क्या है? एक माइक्रोबियल है। बट यूज्ड कॉस्मेटिक बट यूज्ड कॉस्मेटिक इज अ कंटामिनेटेड विथ स्टेफाइलोकोकाई, दिस इज द फंगस एंड ईस्ट। इस तरीके से जो अनयूज्ड कॉस्मेटिक है वो स्यूडोमोनास होगा, यूज्ड जो कॉस्मेटिक है उसके दौरान भी अगर हम उसे प्रिजर्वेटिव ना मिलाएं तो ये हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकाई फंगस या ईस्ट लग सकता है उसमें भी। टाइप्स ऑफ, अगर प्रिजर्वेटिव यूज ना हो तब, अब टाइप्स ऑफ क्या देख लेते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव में हम पहला पॉइंट देखेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट का एग्जांपल हम देख लेते हैं, बेंजीन, बेंजोइक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड। आप चाहे तो सबका केमिकल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं एग्जाम में, फॉर्मेल्डिहाइड, सिरॉल, फिनॉल, थायोमर्सॉल, फेनिल, अगेन मर्क्यूरिक साल्ट। ये प्रिजर्वेटिव्स जो हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में कॉस्मेटिक्स में मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप होगा एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट, एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट। उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, जिसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में गैलिक एसिड मिलाते हैं, मेथाइल गैलेट,
बेंजीन डेरिवेटिव्स BHA एंड BHT, एस्कॉर्बिक एसिड, अगेन सोडियम सल्फाइट, सोडियम मेटाबायोसल्फाइट एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूजेबल है, सोडियम मेटाबायोसल्फाइट। थर्ड पॉइंट होगा एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जीज, एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जीज के अंतर्गत आएगा सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। इस तरीके से फोर्थ पॉइंट हो जाएगा अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्वेंस, यूवी ऑब्जर्वेंस। यूज्ड इन प्रोडक्ट टू विजिबल आर अल्ट्रावायलेट लाइट। अगर हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल लाइट पर रख देंगे, विजिबल लाइट पर अगर हम उसको रखते हैं, तो बाय इनकॉर्पोरेटिंग अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्व, तो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट को वो जो कॉस्मेटिक्स है वो क्या कर लेगा, अपने में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेगा। कलर्ड कंटेनिंग कैन बी यूज इफ डिटोरियलाइजेशन इज ड्यू टू अल्ट्रावायलेट। ऑब्जर्व कलरलेस कंटेनिंग कैन बी यूज इफ डिट्रो रेडिएशन इज ड्यू टू अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्वेंस। इस तरीके से कलरलेस कंटेनिंग कैन बी यूज इज डिट्रो रेडिएशन इज ड्यू टू अल्ट्रावायलेट। दैट मीन्स क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉस्मेटिक क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद जो कॉस्मेटिक है वो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस जो होगा किस सन रेडिएशंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में कलरलेस हुआ है, उसको हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सिक्स पॉइंट ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कॉस्मेटिक्स। सिक्स पॉइंट हमारा होगा परफ्यूम एंड कलर, परफ्यूम एंड कलर्स। परफ्यूम क्या है, परफ्यूम वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम पर मीन्स थ्रो एंड फ्यूम मीन्स स्मोक। परफ्यूम विच इज कंबाइन इन टू वर्ड्स, फर्स्ट इज अ पर एंड सेकेंड इज अ फ्यूम। तो पर इज अ थ्रू एंड फ्यूम इज अ स्मोक। थ्रू स्मोक दैट मीन्स कोई गंध है, खुशबू है जो थ्रू आउट होगी। अब हम सम सोर्स देख लेते हैं और उसके एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं कि परफ्यूम एंड कलर्स में कौन कौन से कलर्स हैं, परफ्यूम है। एक टेबल ड्रॉ करेंगे, इस टेबल पे हम सीरियल नंबर, सोर्स और एग्जांपल लिखेंगे और फर्स्ट में लिखेंगे नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स में आ जाएगा आपका एक तो एनिमल होगा और दूसरा होगा प्लांट। एनिमल और प्लांट में हम देख एनिमल में लिखे देखेंगे मस्क सीवेट, एम्बरगीज़,
एम्बरगिस एटीसी। एंड प्लांट में हम देखेंगे रोज, रोज जैस्मिन, जैस्मिन से परफ्यूम की खुशबू आती है, परफ्यूम लाइक थ्रू स्मोक, दैट मीन्स रोज से भी थ्रू स्मोक होता है, खुशबू एक तो होती है जैस्मिन भी, लेमन भी, लैवेंडर एटीसी। अगेन सेकेंड पॉइंट इज अ एरोमा केमिकल, एरोमा केमिकल, एरोमा मतलब गंध या खुशबू, एक तो कौन सा, रोज ऑक्साइड, अगेन सिट्रल, रोज ऑक्साइड दैट मीन्स नेचुरल पार्ट से ही हम उसका केमिकल निकालेंगे, केमिकल कंपोजिशन देखेंगे एरोमेटिकली थ्रू, तो रोज ऑक्साइड सिट्रल मिल जाएगा, लेमन का सिट्रल हो जाएगा, लेमोनोन्स, लेमोनोन्स हो जाएगा। फ्लावर्ड बेस्ड थर्ड इज अ फ्लावर्ड बेस्ड, रोज जैस्मिन, अगेन फोर्थ इज अ वुडी बेस, वुडन बेस, वुडन से खुशबू आएगी, किससे आएगी, सिट्रस, स्पाइस से तो बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, स्पाइसी से, ओरिएटल एंड फ्रूट बियर, फ्रूटी बियर, बार्क वगैरह है, फ्रूट के बार्क से या फिर फ्रूट के छिलकों से भी खुशबू आती है, तो इस तरीके से परफ्यूम का एक टेबल फॉर्म किया गया।